किसान भाइयों नमस्कार। इंडियन फार्मिंग ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि आलू के बीज का शोधन किस दवा के प्रयोग से करें, कैसे करें। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जो भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएँ, लाइक कमेंट और शेयर भी करें। किसान भाइयों, आलू भारत की मुख्य फसल है जिसका उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। आलू को सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। तमिलनाडु एवं केरल को छोड़कर आलू की खेती लगभग पूरे देश में की जाती है। आलू की खेती के लिए जीवांश युक्त बलुई दोमट भूमि एवं दोमट भूमि उपयुक्त मानी जाती है। आलू की खेती के लिए शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। आलू की फसल की वृद्धि के लिए 15 से 25 सेंटीग्रेड तापमान अच्छा माना जाता है। आलू की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिनमें एक बीज शोधन भी है। वर्तमान समय में सघन खेती करने के कारण जमीन के अंदर पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से भूमि में फसल को हानि पहुंचाने वाले फफूंद एवं बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे आगामी समय में फसल में कई प्रकार की फफूंद जनित एवं जीवाणु जनित बीमारी आ जाती है, जो किसानों के लिए एक गंभीर समस्या बन जाती है, जिसकी रोकथाम के लिए दवा पर अधिक रुपया खर्च करना पड़ता है। इन बीमारियों को रोकने के लिए यदि बीज की बिजाई करने से पहले ही यदि बीज का शोधन कर लिया जाए तो फफूंद जनित बीमारियां आगामी समय में आलू की फसल में नहीं आएंगी। किसान भाइयों, बायर क्रॉप साइंस कंपनी की एक फफूंद नाशक दवा है जिसका नाम है मानसेरिन, जिसमें पेंसीक्यूरान 22.9% ऐसी रसायन है, जिसका प्रयोग हम आलू के बीज के शोधन के लिए कर सकते हैं। 330 ml मानसेरिन दवा से 10 कुंतल आलू के बीज का शोधन किया जा सकता है। बीज शोधन के लिए सबसे पहले 10 कुंतल आलू के बीज को चट्टा आदि पर फैला देंगे। उसके बाद 330 ml मानसेरिन दवा को 10 से 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे मशीन के माध्यम से आलू के बीज के ऊपर छिड़काव करके उसे अच्छी तरह से भिगो देंगे। उसके बाद आलू के उपचारित बीज को छाया में अच्छी तरह से सुखा लेंगे। सूखने के बाद हम आलू की बिजाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।